सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स रिएक्शन इन विच सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड टेक प्लेस बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम. तो एक ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन दूसरा ग्रुप या तो दूसरा जो एटम का बना हुआ ग्रुप होता है वो लेता है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन. रिएक्शन इन विच सब्स्टिट्यूशन ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड टेक प्लेस बाय अनदर एटम या तो ग्रुप ऑफ एटम. तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ग्रुप या तो ग्रुप का जो एटम बनता है उसका सब्स्टिट्यूशन दूसरे एटम या दूसरे ग्रुप ऑफ एटम से बनता है, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली अनरिएक्टिव. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएजेंट्स. ओके, तो सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है आर फेयरली अनरिएक्टिव भी है एंड इनर्ट भी है इन द प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट ऑफ द रिएजेंट्स. तो क्लोरीनेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन, क्लोरीनेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन तो मिथेन हो गया CH4, उसका क्लोरीनेशन मीन्स उसमें Cl2 ऐड करो तो टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट. इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन. तो क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन एटम को वन बाय वन रिप्लेस कर दिए. तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन था और यहाँ पे जो Cl था वो दोनों कंबाइन होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनते हैं, और यहाँ पे CH4 था तो उसका हमने क्या बना दिया CH3, उसका क्या बना दिया CH3. तो CH3Cl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन. उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोमीथेन. अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन आर फॉर्म्ड विद द हायर होमोलॉजीज ऑफ द अल्केन. तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन आर फॉर्म्ड विद हायर होमोलॉजीज अल्केन. तो इसमें क्या हो गया, एक एटम या तो ग्रुप ऑफ एटम का जिसका सब्स्टिट्यूशन होता है दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से होता है. फिर दे दिया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो फेयरली अनरिएक्टिव एंड इनर्ट है. फिर क्लोरीनेशन, तो क्लोरीनेशन में क्या हो गया, मीथेन और CH2Cl2 की प्रोसेस होकर सनलाइट, तो उसमें से मिलता है क्लोरोमीथेन. उसमें क्या मिलता है, क्लोरोमीथेन और एक हाइड्रोजन जो है वो Cl के साथ में प्रोसेस होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दे. ओके, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल. तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो प्योर इथेनॉल कलरलेस लिक्विड है. फिर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट 156 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 351 और सॉल्युएबल है किसमें, वाटर में, और वो सॉल्वेंट है, गुड सॉल्वेंट. फिर स्टेट ऑफ द यूज ऑफ इथेनॉल, तो इथेनॉल का यूज क्या क्या होता है. इट इज यूज एज अ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट इन मेडिसिन सच एज टेस्चर आयोडीन एंड कफ सिरप एंड मैनीटॉनिक. मैनीटॉनिक कफ सिरप और आयोडीन में यूज होता है. इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द लिक्विड वैनिस एंड फ्रेग्रेंस सब्सटेंस. तो फ्रेग्रेंस सब्सटेंस वैनिस और लिक्विड में यूज होता है. इट इज यूज फॉर द एंटीसेप्टिक, तो एंटीसेप्टिक ट्यूब जो आती है उसमें यूज होता है. प्योर इथेनॉल इज द एक्टिव इनग्रीडियबल ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक, तो अल्कोहलिक ड्रिंक में यूज होता है. इट इज यूज टू प्रिपेयर रेक्टिफाइंग स्पिरिट, तो रेक्टिफाइंग स्पिरिट में भी यूज होता है. फिर केमिकल रिएक्शन ऑफ द इथेनॉल, तो फर्स्ट तो रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ सोडियम मेटल. तो रिएक्शन ऑफ द OH ग्रुप की जब इथेनॉल OH, तो रिएक्शन ऑफ द OH ग्रुप, तो OH ग्रुप जो है मीन्स इथेनॉल का जो OH ग्रुप है उसकी आप प्रोसेस करोगे किसके साथ में, तो सोडियम. तो इथेनॉल की प्रोसेस जब सोडियम मेटल के साथ में आप करोगे तो उसमें से सोडियम इथोक्साइड मिलता है. क्या मिलता है, इथोक्साइड. तो CH3 तो वैसे का वैसा, CH2 तो वैसे का वैसा, यहाँ पे O, तो यहाँ पे जो H था तो H को Na रिमूव करेगा. कौन रिमूव करेगा, Na रिमूव करेगा. तो CH3CH2O-Na+, तो सोडियम इथोक्साइड हो गया. ये क्या हो गया, सोडियम इथोक्साइड. और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस तो वैसे का वैसा मिलता है. तो रिएक्शन ऑफ इथेनॉल का रिएक्शन हो गया किसके साथ में, सोडियम मेटल के साथ में, तो सोडियम इथोक्साइड मिलता है एंड हाइड्रोजन गैस. सेकंड प्रोसेस, तो रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड. तो व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद द एक्सेस ऑफ द कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कितने टेम्परेचर पे, तो 443 केल्विन टेम्परेचर पे, तो इट फॉर्म इथिन. तो इथेनॉल में सब क्या मिलता है, इथिन मिलता है. व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद द एक्सेस ऑफ द कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एट द 443 केल्विन, इट फॉर्म द इथिन ड्यू टू डिहाइड्रेशनेट ऑफ इथेनॉल. तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको इथेनॉल दिया हुआ है. तो इथेनॉल, तो इथेनॉल की प्रोसेस जब भी होती है 443 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हॉट कॉन्सेंट्रेट तो सल्फ्यूरिक एसिड से प्रोसेस दिया हुआ है. तो इथेनॉल, इथेनॉल था क्या, CH3CH2OH. तो यहाँ पे ये देखो, ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये OH, तो उसकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में प्रोसेस होगा. तो इसमें से इथेनॉल में से इथिन बनता है. क्या बनता है, इथेनॉल में से इथिन. तो इथिन मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे पानी. तो यहाँ पे याद करो कि इथेनॉल की सोडियम के साथ में प्रोसेस होगी तो सोडियम इथोक्साइड,
और इथेनॉल की जब भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जब प्रोसेस होगी 443 केल्विन पे, तो इसमें से इथेन मिलता है। ओके,